चलिए तो हम लोग जान लेते हैं अज्ञम जमानत होती क्या है, इसके पक्ष क्या क्या हैं, उन सबको बात कर लेते हैं। ठीक है, अज्ञम जमानत ये चर्चा में भी बहुत रहती है। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ के एक निर्णय के अनुसार अज्ञम या पूर्व गिरफ्तार जमानत की सुरक्षा किसी भी समय सीमा तक सीमित नहीं हो सकेगी, क्योंकि स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करना उचित नहीं है। अग्रिम जमानत है क्या आखिर? भारतीय आपराधिक कानून के तहत आपराधिक प्रक्रिया की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत का प्रावधान है। आपको पता हो कि 1989 का जो एसटीएससी एक्ट है उसमें 18 ये धारा दी गई है, जोड़ी गई है। पहले 18 थी तो उसमें लिखा हुआ था कि जमानत अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती है, लेकिन फिर सुप्रीम का निर्णय आया, उसके बाद बहुत बवाल हुआ, देखा था आपने, हड़तालें हुई, फिर सरकार ने संशोधन किया और उसमें 18 ए जोड़ी गई कि धारा 438 लागू नहीं होगी। इसमें क्या बोला है, भारतीय आपराधिक कानून के तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत का प्रावधान है। विधि आयोग ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में इस प्रावधान को प्रक्रिया संहिता में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। यह प्रावधान किसी व्यक्ति को गैर जमानत अपराध करने के आरोप में गिरफ्तारी के पूर्व जमानत लेने की अनुमति देता है। जैसे कि किसी ने कोई मामला हुआ है किसी पर, तो वो गिरफ्तार होने के पहले ही जमानत ले सकता है। ठीक है, अभी आपने सुना होगा चिदंबरम के मामले में, उसमें उन्होंने कई बार अग्रिम जमानत ले रखी थी लेकिन कोर्ट ने निरस्त कर दी थी लास्ट में। ठीक, तभी गिरफ्तार हुए थे। बात करते हैं, अगर उन कोर्ट उनकी निरस्त नहीं करता तो गिरफ्तार भी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि उन्हें जमानत मिली हुई थी। निर्णय की पृष्ठभूमि की बात करें तो गुरु बख्श सीविया बाद वाद 1980, इस मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि समय की सीमित तथा अग्रिम जमानत पर रोक नहीं लगा सकती, परंतु न्यायालय जमानत हेतु शर्तों को तय कर सकता है। फिर आया सलाहुद्दीन बनाम महाराष्ट्र राज्य वाद 1995, इस मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि अग्रिम जमानत के प्रावधान को एक समय सीमा में सीमित किया जा सकता है। फिर मेहते केस 2010, इस मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि अग्रिम जमानत की समय सीमा पर रोक लगाई जा सकती है। फिर सुशीला अग्रवाल बनाम दिल्ली सरकार दिल्ली राज्य, इस मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि अग्रिम जमानत सीमित समय के लिए नहीं है। अग्रिम जमानत के मुद्दे पर न्यायालय का एक अलग दृष्टिकोण है, इसलिए संविधानिक पीठ द्वारा वे विख्यापित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। संविधानिक पीठ के सामने मुद्दे, उपयुक्त सभी मामलों के निष्कर्ष स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय की संविधानिक पीठ के सामने दो बड़े मुद्दे उत्पन्न हुए हैं। क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत दिया गया संरक्षण एक निश्चित अवधि के लिए सीमित होना चाहिए, जिससे व्यक्ति को ट्रायल के पूर्व आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत लेने के लिए प्रक्रियाबद्ध किया जा सके? क्या न्यायालय द्वारा समन के उपरांत अग्रिम जमानत की समय सीमा को समाप्त कर देना चाहिए? बात करते हैं संविधानिक पीठ की। संविधानिक पीठ में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा पीठाधीश हैं, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति विनीत सरन, न्यायमूर्ति एम आर साहन, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। बात करते हैं प्रथम मुद्दे पर संविधानिक पीठ का स्पष्टीकरण। प्रथम मुद्दे पर क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत दिया गया संरक्षण एक निश्चित अवधि के लिए सीमित होना चाहिए, जिसे व्यक्ति को ट्रायल के पूर्व आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत के लिए प्रक्रियाबद्ध किया जा सके, के संदर्भ में न्यायाधीश ने व्याख्या दी। आपराधिक प्रक्रिया संहिता में ऐसे प्रावधान का वर्णन नहीं है कि जिससे अग्रिम जमानत को समय के आधार पर सीमित लिया जा सके। न्यायालय को अग्रिम जमानत हेतु शर्त आरोपित करने का विवेकाधिकार प्रदत्त है, इससे सुरक्षा की एक सीमित अवधि शामिल है।
एक जो बाद अथवा बाद के चरण के आधार पर आधारित है। कानून यह नहीं बताता है कि अग्रिम जमानत को समयबद्ध तरीके से सीमित किया जाना चाहिए, लेकिन अदालत के पास अग्रिम जमानत की अवधि को सीमित करने की शक्ति है। दूसरे मुद्दे पर संविधानिक पीठ का स्पष्टीकरण। संविधानिक पीठ ने दूसरे मुद्दे पर क्या न्यायालय द्वारा समन के उपरांत अग्रिम जमानत की समय सीमा को समाप्त कर देना चाहिए को विख्यातित करते हुए कहा है कि अग्रिम जमानत आदेश की अवधि तक तब समाप्त नहीं होती जब अभियुक्त को अदालत द्वारा बुलाया जाता है या जब आरोप लगाया जाता है तथा यह ट्रायल के अंत तक जारी रह सकता है। यदि अग्रिम जमानत की अवधि को सीमित करने के लिए न्यायालय में आवश्यक कोई विशेष सुविधा है तो वह ऐसा कर सकता है। न्यायालय का यह निर्णय अग्रिम जमानत पर कानून की संकीर्ण व्याख्या के खिलाफ सावधानी बरतता है। अन्य कथनों की बात करें हम लोग, संसद द्वारा अग्रिम जमानत संबंधी विशेषकर अवधि को कम करने या चार्जशीट दायर होने तक गंभीर अपराध में न्यायालयों के विवेकाधिकार की शक्ति को कम करना उचित नहीं होगा। यदि न्यायालय अपनी शक्ति के प्रयोग को सीमित करता है तो यह समाज के विस्तृत हितधारक वर्ग के हित में नहीं होगा। बात करते हैं अग्रिम जमानत के बारे में। यह उस व्यक्ति के लिए है जिसे गैर जमानती अपराध हेतु गिरफ्तार किया जाना है। यह व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले ही जमानत पर रिहा कर देने का विवेकाधिकार है। इसके उपरांत व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से रिहा कर दिया जाता है तथा वह किसी निर्बंधन के अधीन नहीं रह सक पाता। अपराध की प्रवृत्ति एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता के आधार पर जमानती या गैर जमानती अपराधों हेतु उपयुक्त किया जा सकता है। बात करते हैं अग्रिम जमानत आवश्यक क्यों है। यह मनमाना और झूठे मामलों को रोकने के लिए एक प्रावधान है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ है। इसका उपयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(2) का तत्वार्थ है। अग्रिम जमानत के आधार की बात करें तो आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक पर पिछले मामले, न्यायालय द्वारा कुछ नियम व शर्त आरोपित की जा सकती, विदेश यात्रा पर प्रतिबंध, अग्रिम जमानती व्यक्ति को वारंट के अभाव में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक, बात करते हैं अग्रिम जमानत रद्द करने का प्रावधान। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 493 अग्रिम जमानत को रद्द करने से संबंधित है। न्यायालय को अग्रिम जमानत को रद्द करने का आधार है। पुलिस अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए न्यायालय जा सकती है। निर्णय का तत्वार्थ संवैधानिक भावना को पूरा करना। इस प्रावधान का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-22 के तत्वार्थ को पूर्ण करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता दूसरा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक देश का सबसे आवश्यक अंग है। यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनिवार्यता पर आधारित है। तीसरा है झूठे मामले में कमी। राजनीतिक प्रतिशोध और औद्योगिक और व्यक्तिगत दुश्मनी की पूर्ति के लिए झूठे मामले दर्ज किए जा सकते हैं। इस फैसले ने मामलों को रोकने पर वो बंद किया है। फिर आपका सामाजिक कलंक में गिरावट। एक व्यक्ति जिसने अपराध किया हो या नहीं, कर्वासित होने से उसके सामाजिक स्थिति में ह्रास होता है। इस फैसले के प्रयोग से व्यक्ति का सामाजिक सम्मान सुनिश्चित होगा। जेल सुधार। जेलों के अतिरिक्त के लिए प्राथमिक कारणों में से एक अदालत के मामलों की प्रेडेंसी है। 31 मार्च 2016 तक विभिन्न अदालतों में 3 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं और देश के प्रत्येक 3 जेल कैदियों में से 2 मुकदमों में शामिल है। उदाहरण के लिए एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2015 की 4,19,623 कैदियों में से 2,82,076 यानी कि 67% ट्रायल के अंतर्गत हैं। अग्रिम जमानत का कार्यान्वयन इस व्याख्या को कम करने में सहायक होता है। आगे की रास्ता। लोकतांत्रिक देश में व्यक्तियों की स्वतंत्रता को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता।
यह एक मौलिक अधिकार भी है। इस निर्णय से न्यायालय में स्वयं को संविधान के संरक्षक और मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में स्थापित किया है। ठीक है, तो ये था आपका अग्रिम जमानत के सभी पक्ष। ठीक है।